जय श्री शंभु। यह महीना जो है भोले शंकर का बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में है भक्त जितने होते हैं सब अपनी पूजा पाठ आराधना में डूबे रहते हैं, भोलेनाथ को मनाने में, अपनी समस्याओं का निदान निकालने में। और माता पार्वती जो सौभाग्यवती स्त्री होती हैं, माता पार्वती यानी कि मंगला गौरी की पूजा व्रत में लगी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे इस महीने में बेलपत्र, समी पत्र, इन सब पौधों का जितना ही छू कर आप ना इसका पूजा करें, तो फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार दुर्वा भी इस महीने में छूने का बहुत ही अलग ही महत्व है। तो जैसा कि आज है बुधवार और आज के दिन अष्टमी तिथि है, और अष्टमी तिथि यानी कि गौराष्टमी भी इसे कहते हैं, राधा अष्टमी भी कहते हैं और दुर्वा अष्टमी भी कहते हैं। शिव पुराण कथा में कहते हैं कि गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में अध्ययन किया गया है कि बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। ये तिथि ऐसी तिथि है इस दिन जो हम आज आपको उपाय बताने वाले हैं उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला। तो वीडियो को स्किप ना करें, बने रहें, और वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर के हम आपको बताते हैं एक अचूक उपाय जो हमारे दीप मिश्रा पंडित जी ने बताया है और ये गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में लिखा हुआ है। तो बस आपको एक मूंग की कटोरी भर लो, मतलब एक कटोरी में मूंग का साबुत आखा जिसे कहते हैं खड़ा दाल ना, वो मूंग की दाल एक कटोरी में भर लीजिए और उस पर गुड़ का एक जो भेली कहते हैं समूचा, 5 बेल पत्र, और जिस पर व्यक्ति को बहुत सारा भारी हो, बीमारी हो, ठीक ना हो रहा हो, कैंसर जैसा बीमारी, लीवर खराब हो, कोई बीमारी हो, तो मूंग की कटोरी और एक गुड़, 5 बेल पत्र राधा अष्टमी के दिन यानी कि दुर्वा अष्टमी के दिन 26 जुलाई, जिस दिन भी भगवान गणेश जी ने एक राक्षस का संहार किया था और कश्यप ऋषि ने दुर्वा दिया था, उस दिन से दुर्वा अष्टमी होने लगी और प्रथम बार गणेश भगवान को दुर्वा समर्पित किया गया था, यानी कि गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ी थी। और अभी भी बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि पूरी नहीं हुई है। और जिस व्यक्ति को बीमारी है उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार यानी कि मूंग से भरी हुई कटोरी को उतार कर उसका गोत्र व नाम बोलकर गणेश जी से विनती करके, जो आज जो 26 जुलाई है, आज के दिन दुर्वा यानी कि बुधवार को है, बहुत समय के बाद पड़ी है, ऐसी वैसी ये कोई अष्टमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, जिसे जो बीमारी हो आप जो ये उपाय प्रदीप मिश्रा जी ने बताया आप कर लेंगे तो आपका रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कटोरी कैसी लेनी, बिल्कुल नई कटोरी होनी चाहिए और उसे गणेश जी के मंदिर में पहुँचा दें, हाथ में ना दें, गणेश जी के सीधे हाथ यानी कि तुम्हारा उल्टा हो और गणेश भगवान की सीधे हाथ पर ज़मीन पर रख देना है। कैसी भी बीमारी हो यह उपाय अष्टमी को करके देखना, 11 से या 12 यानी कि 11वें दिन है तो 12वें दिन आपको आराम अवश्य मिलेगा। यह अष्टमी ऐसे ही नहीं आई है, कई सालों के बाद ये अष्टमी आई। तो आपके घर में, आपके परिवार में जिस किसी को बीमारी हो आप यह उपाय, चमत्कारी उपाय अष्टमी के दिन कर लेंगे, चाहे गौराष्टमी, मंगलाष्टमी या राधा अष्टमी इसे कहते हैं, 26 जुलाई यानी कि आज है, आज आप इसे कर लेंगे शाम तक आपको बहुत ही ज़्यादा 11 से 12 के दिन तक आपको फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को कर ले लाइक शेयर, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री शंभू।